नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। जब इस रिश्ते में नए रिश्ते यानी नन्हे मेहमाना का आना तय हो तो ये रिश्ता जिम्मेदारी और समर्पण से भर जाता है। ऐसा ही एक प्यार भरा समर्पण देखने को मिला चीन के एक अस्पताल में, जहां एक पति अपनी थकी हुई गर्भवती पत्नी के लिए कर्सी बन गया। इस वीडियो को ट्विटर पर काफी शेयर किया जा रहा है और इसे बेहद सराहा जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ आसपास कुर्सियों पर बैठे लोगों की सोशल मीडिया पर जमकर लानत मदानत की जा रही है। वीडियो चीन के हिनान प्रांत का बताया जा रहा है और इसे ग्लोबल न्यूज नेटवर्क की ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। वीडियो ही गैंग पुलिस द्वारा बनाया गया बताया गया है। ये न्यूज नेटवर्क अमेरिका, रूस और ब्रिटेन सहित करीब 100 देशों की न्यूज देती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ डॉक्टर के कमरे में जाने के लिए इंतजार कर रही है और आसपास और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्रेग्नेंट महिला खड़ी है और पास ही कुर्सियों पर बैठे लोगों पर इस औरत की थकावट का कोई असर नहीं दिख रहा। पत्नी थक रही है और उसके पैरों में दर्द हो रहा है। ये देख कर पति कुर्सी बन जाता है और महिला पति की पीठ पर बैठ जाती है। उसके पैर दुख रहे हैं और उसे पति की पीठ पर बैठने से आराम मिल रहा है। पति को पत्नी के लिए इतना जतन करने में न तो शर्म महसूस हो रही है और न ही कोई गुप्त। वो प्यार से उसे पानी की बोतल देता है जिसे पत्नी लेकर पानी पीती है। हालांकि दूसरी तरफ इस वीडियो में कुर्सियों पर बैठकर मोबाइल देख रहे शख्स को यूजर द्वारा खूब लताड़ा जा रहा है। लोग उसे बेदर्द, संवेदनहीन और हैवान बता रहे हैं। वीडियो को अब तक 232.6 हजार व्यूज मिल चुके हैं। इसे करीब 10 हजार लाइक्स मिले हैं और इस वीडियो को 3.4 हजार बार रिट्वीट किया जा चुका है।